हेलो दोस्तों, फ्री फायर मैक्स गेम की शॉर्ट वीडियो कैसे आप यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल हम लोग देखने वाला हो। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे फ्रेंड लोग ने देखा हो फ्री फायर मैक्स गेम के शॉर्ट वीडियो अपलोड करते या कोई भी शॉर्ट वीडियो अपलोड करते तो टाइटल सही से नहीं लिखते हैं। तो कैसे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे एकदम सही से कैसे आप टाइटल को लिख सकते हैं। इसके साथ अपना जो भी शॉर्ट वीडियो है वो यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो लिस्ट में भी वो जाना चाहिए। तो कैसे आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले वो कौन सा हैशटैग है जो कि आपको देना पड़ेगा। ये काफी सीक्रेट भी है लेकिन बहुत सारे फ्रेंड लोगों को पता है लेकिन बहुत सारे फ्रेंड लोगों को पता भी नहीं है। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिर्फ फ्री फायर मैक्स गेम की शॉर्ट वीडियो नहीं, आप चाहे तो कोई भी अदर्स वीडियो भी काफी आसान से यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश, आप देख रहे हैं स्टार्ट गुड यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस उसके लिए सबसे पहले आपको यूट्यूब ऐप को ओपन में क्लिक करना है। अपने इंटरनेट को ऑन करने के बाद इसके बाद अपना जो भी यूट्यूब चैनल है आपको यहाँ पर लॉग इन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर चुका हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे नीचे आपको प्लस वाला आइकन मिल जाएगा, प्लस वाला आइकन में क्लिक कर देना है। दोस्तों शॉर्ट वीडियो अपलोड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्रिएट ए शॉर्ट में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहां पर ओपन हो जाएगा। अभी दोस्तों सबसे पहले आपको ऑप्शन आता है क्या आपने जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हो 15 सेकंड का या 60 सेकंड का। तो गाइस यहां पर अगर आपने टच करेंगे तो ये 60 सेकंड हो जाता है, यहां पर अगर आपने टच करेंगे 15 सेकंड हो जाता है। फिलहाल दोस्तों मैंने यहां पर 15 सेकंड से ज्यादा वीडियो अपलोड दूंगा तो गाइस इसलिए मैं यहां पर 60 सेकंड कर लेता हूं। तो गाइस यहां पर आपको नीचे मिल जाता है फाइल का ऑप्शन, जो भी आपने वीडियो बना के रखा हो वो वीडियो आपको यहां पर सिलेक्टेड करना है। तो गाइस ये रहा वीडियो, सिंपली हम लोग इसी वीडियो को हम लोग टच कर लेता। अभी दोस्तों वीडियो जो कि यहाँ पर काफी बड़ा हो चुका है, यहाँ पर थोड़ा मैं यहाँ पर मिडिल पे कर लेता हूँ दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद सिंपली हम लोग यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर डन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके जो वीडियो है यहाँ पर पोस्टिंग होता है। और दोस्तों शॉर्ट वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट वीडियो के अंदर अपने जो भी म्यूजिक है म्यूजिक को आप ऐड करेंगे, ठीक है, उसके लिए दोस्तों आपको ऊपर में ऐड साउंड का ऑप्शन मिल जाएगा। ऐड साउंड पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है और ऐड साउंड पे क्लिक करते हैं पर अपने कोई भी म्यूजिक को सिंपल आप यहाँ पर ऊपर में सर्च करके भी आप ला सकते हो। यहाँ तो आपने जो भी सेव करके रखा हो वो भी म्यूजिक आपको यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर जो भी रिकमेंडेड यहाँ पर म्यूजिक आ रहा है उसी म्यूजिक को मैं यहाँ पर सजेस्टेड करूंगा। तो गाइस यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर सुन लेता हूँ दोस्तों म्यूजिक को। ओके दोस्तों ये जो म्यूजिक है इसी म्यूजिक को हम लोग रखेंगे। तो गाइस इसलिए हम लोग इसी म्यूजिक में एक बार टच करूंगा। अगर आपको ये म्यूजिक पसंद आता है तो गाइस यहाँ पर आप टच करेंगे आपके जो सेव वाला ऑप्शन पे भी आपको मिल जाएगा। तो गाइस सिंपली आप यहाँ पर टच करके और यहाँ पर एरो वाला बटन आ जाएगा, इसमें टच करेंगे तो गाइस सिंपली ये जो सॉन्ग है आपको सिंपली यहाँ पर ऐड हो जाता है अपने वीडियो के अंदर। और गाइस इसके बाद आपको यहाँ पर और भी काफी सारे ऑप्शन मिल जाता है जिसको आप यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अपना जो वीडियो है जैसे है वैसे मैं अपलोड दूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एडिट किया हूँ दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर राइट में क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर राइट में क्लिक करेंगे अपना जो भी वीडियो यहाँ पर आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ जो कि यहाँ पर गेम जो कि यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हो इसमें वॉइस ओवर करेंगे तो यहाँ पर वॉइस ओवर का जो ऑप्शन है वॉइस ओवर में टच करके सिंपली यहाँ पर जो भी वॉइस आप देना चाहते हो वॉइस ओवर भी कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर नहीं करने वाला हूँ। और गाइस यहाँ पर जो वॉल्यूम का ऑप्शन है वॉल्यूम का ऑप्शन में टच करेंगे यहाँ पर आपने जो भी आपके गेम का ओरिजिनल साउंड है वो भी आपके यहाँ पर बड़ा घटा भी सकते हो। और यहाँ पर बैकग्राउंड का जो भी साउंड आपने अभी अभी मैंने ऐड किया है उसको भी बड़ा घटा सकते हो। और यहाँ पर वॉइस ओवर का भी साउंड आप यहाँ पर बड़ा घटा भी सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैंने यहाँ पर जो भी ओरिजिनल साउंड उसको थोड़ा कम करूँगा और यहाँ पर म्यूजिक का साउंड थोड़ा ज़्यादा करूँगा। और यहाँ पर तो मैंने कोई भी वॉइस ओवर नहीं किया हूँ, उसको ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग यहाँ पर राइट में क्लिक करूँगा दोस्तों। और गाइस फाइनली यहाँ पर राइट में क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर ऊपर में नेक्स्ट का ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करना है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पर आपको थंबनेल लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। थंबनेल आप कैसे लगा सकते हो, यहाँ पर पेन वाला जो आइकन है पेन वाला आइकन में क्लिक करेंगे और किसी भी एक थंबनेल को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो अपने वीडियो के हिसाब से। फिलहाल दोस्तों मैं इसी थंबनेल को ऐसे ही रखने दूंगा। तो दोस्तों थंबनेल को मैं ऐसे ही रखूंगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर डन पे क्लिक करूंगा दोस्तों। और डन पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाता है टाइटल लिखने का। दोस्तों टाइटल काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों टाइटल आपको कैसे लिखना है, सिंपल आपको यहाँ पर टच करना है और सबसे पहले दोस्तों आपको टाइटल ये देना है हैश और उसके साथ आपको शॉर्ट आपको दे देना है। जैसे आपने यहाँ पर शॉर्ट देंगे तो गाइस अपना जो भी यहाँ पर शॉर्ट वीडियो है यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो के अंदर वो जाता है। तो गाइस यूट्यूब भी खुद कहता है आप जब भी अपने शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो जरूर से जरूर आप शॉर्ट्स लिखिए, ठीक है। दोस्तों मैंने यहाँ पर शॉर्ट लिख दिया हूँ। इसके साथ दोस्तों आपको इस साइड में जो भी वीडियो का जो बारे में आपको थोड़ा यहाँ पर टाइटल आपको देना पड़ेगा, मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया हूँ फ्री फायर मैक्स गेम पे, इसके साथ हम लोग हैश शॉर्ट दे दिया हूँ ताकि शॉर्ट फीड में ये जाए। और इसके बाद दोस्तों हम लोग को पब्लिक करना है और यहाँ पर सिलेक्टेड ऑडियंस आप चाहे तो सिलेक्टेड कर सकते हैं, यहाँ पर मैं नो पे सिलेक्टेड करूंगा। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पर जो भी ऑप्शन है जैसे वैसे रखूंगा। इसके साथ हम लोग अपलोड शॉर्ट में हम लोग क्लिक कर दूंगा। और गाइस जैसे आप लोग यहाँ पर अपलोड में क्लिक करूंगा ये जो वीडियो है सिंपली शॉर्ट फीड में अपलोड होना शुरुआत हो जाएगा। तो इस लाइवर ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी वीडियो है यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से काफी ऐसे से फ्री फायर मैक्स गेम की शॉर्ट वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर आपको जो शॉर्ट जो लिखने का जो सीक्रेट ट्रिक है ये आपको देना ही पड़ेगा दोस्तों।
जब भी आपने कोई भी शॉर्ट वीडियो अपलोड करे तो गाइस आपको हैश शॉर्ट आपको यहाँ पर लिखना है ताकि अपना जो भी शॉर्ट वीडियो है वो आपके YouTube के शॉर्ट फीड में जा सके। और गाइस आपको टाइटल आपको काफी अच्छे से आपको देना है दोस्तों, जो भी वीडियो में आपने बनाया हो तो अट्रैक्टिव आपको टाइटल भी देना है, जाके लोगों को देख के ही पता चले कि भाई ये जो वीडियो है इस रिलेटेड है। और थंबनेल भी आपको कुछ हिसाब का सेटअप करना है जो कि लोगों को देख के ही अगर क्लिक करे। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।